अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जो बहुत थके थके रहते हैं और अपनी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यानी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और परेशान रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर अपनी दबा प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। ये वो दवा है जो जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जनरल लाइफ में इन मरीज़ों को दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी होती है और इस मेडिसिन का नाम है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X को आप टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डाइल्यूशन में कालीफॉस 30 भी इस्तेमाल हो सकती है। कालीफॉस इन लोगों में जो रात भर काम करते हैं और दिन भर काम करते हैं, यानी रात को जो नाइट ड्यूटी करते हैं फिर सुबह आते हैं थके थके, और जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं और थके थके रहते हैं, उनके लिए कालीफॉस तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो पूरे दिन काम करते हैं तो उनका दिमागी तौर पे वो थक जाते हैं और जिस्मानी तौर पे भी वो थक जाते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो एहसाबी कमज़ोरी से लेकर जिस्मानी कमज़ोरी तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे अफराद के लिए कालीफॉस 6X या 3X दोनों में चार गोलियां दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। हम बात करते हैं उन लोगों की जो ज़्यादा जिस्मानी काम करते हैं, यानी जो जिस्मानी काम करते हैं मज़दूर वगैरह जो हो गए, इनके बारे में। ये सुबह से शाम तक मज़दूरी करते हैं और बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकावट के साथ साथ इनको एहसाबी कमज़ोरी भी हो जाती है। उसके साथ आपने कालीफॉस 30 के साथ आपने चाइना ऑफिशलिस को 2-2 कप्पे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। आमतर बीमारियों में कालीफॉस बहुत ज़्यादा असर रखती है। अगर उसका लिंग में कोई तनाव नहीं है और उसमें ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई है, ऐसे मर्द हज़रात कालीफॉस के साथ डैमियान-ए-क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका जो दिमागी और एहसाबी कमज़ोरी है वो दूर हो सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मुसलसल काम करते हैं मगर उनके जो है ये एहसाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तो इनका ये मसला कालीफॉस सॉल्व करती है। वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और दिन रात पढ़ते रहते हैं, उनके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम के साथ साथ उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनको जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। इस मसले पे कालीफॉस को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 4-4 टैबलेट जूस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफॉस एनीमिया के केसेस में भी बहुत इस्तेमाल होती है। एनीमिया वाले अफराद जिनको नींद नहीं आती है दिन में भी और रात में तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी, तो ऐसे अफराद को कालीफॉस 3X में इस्तेमाल करनी चाहिए। दिन में 3 दफ़ा 4-4 टैबलेट्स चूस के खानी चाहिए। इंशाल्लाह उनकी ये जो नींद ना आने की जो एनीमिया की का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। उन अफराद के जो बूढ़े लोग हैं उनको नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से और बीमारी की वजह से, उनमें सीढ़ियाँ बचती हैं जिसकी वजह से उन्हें चैन और सुकून नहीं होता और उनको जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ ये सारे अलामात होती हैं। तो ऐसे अफराद को कालीफॉस 6X 4-4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। वो अफराद चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो या स्टूडेंट हो जिनकी मेमोरी का मसला है, मेमोरी लॉस जो चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हैं, और जिनका जो है मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए कालीफॉस तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कालीफॉस दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, 4-4 टैबलेट्स चूस के, और अगर किसी को अगर टैबलेट नहीं खानी है तो कालीफॉस 40CH में इस्तेमाल करें। कालीफॉस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, सिम्टम बताए, इस्तेमाल करने का तरीका बताया। जो लोग मेरे चैनल पे
नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिसको कोई सवाल इस दवा के मुतालिक या कोई और दवा के मुतालिक पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में और व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।